शालोम, हमें अपनी अक्ल से बढ़कर खुदा की हिकमत को जानना और समझना है। हम इंसान होते हुए मादे को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और वो जो हमें नजर नहीं आता उसे गैर अहम समझते हैं। अपनी तरक्की और अपनी दूरंदेशी पर तवक्कुल करते हैं क्योंकि हम इंसान समझते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं, ना ही हमसे बढ़कर कोई अक्लमंद है। यही वजह है कि जब मसीहा यीशु के रूप में आए तो इंसान उसकी हिकमत से दंग तो हुआ, लेकिन उसको जो अंधे के खुदा की हिकमत से चलता था अपनी तरह आम इंसान ही समझ लिया और यहीं पर उसके इर्द गिर्द के लोगों ने गलती की। यहाँ तक कि तकरीबन 3 साल तक साथ रहने वाले शागिर्द भी उसके बारे में मुकम्मल फहम हासिल न कर पाए थे। मुकदस मत्ती रसूल का 26वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि यीशु जो पिछले 2 अबवाब में जैतून के पहाड़ पर अपने शागिर्दों से आने वाले दिनों की निशानियां और खुदा की बादशाही के भेद जो बयान कर रहे थे वो 26वें बाब में इख्तिताम पजीर होते हैं और इसी बाब में यीशु गैर ईमानदारों के हवाले भी किए जाते हैं। इस बाब के शुरू ही में हमें यीशु के खिलाफ होने वाली साजिशों के बारे में इल्म होता है। फिर 6वीं आयत से 13वीं आयत में वो मशहूर जमाना वाक्या हमें नजर आता है जिसमें यीशु पर महंगा तरीन इत्र डाला जाता है। 14वीं आयत से 16वीं आयत में वो यहूदा इस्करियोती जो 12 शागिर्दों में से एक था वो यीशु को पकड़वाने के लिए सरदार काहिनों के साथ समझौता कर लेता है। फिर हमें 17वीं आयत से 25वीं आयत तक हमें आखिरी फसा मिलती है जो ईद फतीर के पहले दिन यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ खाई। 26वीं आयत से 30वीं आयत में हमें वो रस्म मिलती है जिसे हम मसीही आज भी खुदा की इबादत का लाजमी हिस्सा समझते हैं। 31 से 35वीं आयत में पतरस बड़ा बोल बोलता है और साथ में बाकी सारे शागिर्द भी शामिल होते हैं, लेकिन यीशु पतरस के इनकार की पेशगोई कर देते हैं। 36वीं आयत से 46वीं आयत में यीशु अपने शागिर्दों के साथ गतसमनी पर आए और अपने करीबी 3 शागिर्दों को साथ लेकर अपना गम और बेकरारी बांटने लगे। फिर उनको जागने और दुआ करने का कहकर आप खुद थोड़ा आगे जाकर मुंह के बल गिरकर दुआ करने लगे। दुआ करने के बाद वापस आए और शागिर्दों को सोते पाया। उनको फिर जागने और दुआ करने का कहकर दोबारा दुआ करने के लिए चले गए। ऐसा 3 बार हुआ और फिर हम 47वीं आयत से 56वीं आयत तक यीशु की गिरफ्तारी देखते हैं और फिर इस गिरफ्तारी के बाद यीशु पर मुकदमा चलता है जिसका जिक्र हम 57वीं आयत से 68वीं आयत तक पढ़ते हैं। फिर पतरस के बारे में यीशु ने जो पेश गोई की थी उसका जिक्र हम 69वीं आयत से बाब के आखिर तक यानी 75वीं आयत तक पढ़ते हैं। अजीजो, अब आइए इस बाब में से अपने लिए डिवोशन हासिल करें। वेलकम फ्रेंड्स टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। चूंकि जैसे मैंने पहले कहा कि इंसान मादे को ज्यादा अहमियत देता है और रूह पर कम तवज्जो देता है, इसी तरह बाब हजा में यानी मत्ती 26वें बाब में हमें ऐसा ही कुछ नजर आता है। हम इस वक्त यीशु के आखिरी याम तक पहुंच चुके हैं। इस 26वें बाब में यीशु अपनी मसलूबियत के बारे में शागिर्दों को तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यीशु ने बारहा किसी न किसी मौके पर शागिर्दों को अपनी मसलूबियत के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी शागिर्द उसकी इस बात को नजरअंदाज करते रहे और अपने ही ख्यालों और मनसूबों के तहत चलते रहे। इस बात तक पहुंचते हुए हमने देखा कि सरदार काहिन और यहूदी बुजुर्ग यीशु को कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। इसी वजह से यीशु पहले भी शागिर्दों को इस बारे में आगाह करते रहे, लेकिन इस बाब में जब मसीहा पर इत्र डाला जाता है तो शागिर्द इस इत्र के बारे में परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो समझते थे ये महंगा इत्र फजूल बहा दिया गया। लेकिन यीशु बताते हैं कि ये इत्र यीशु की तदफीन के लिए इन पर बहाया गया है। फिर हम पढ़ते हैं कि किस तरह यहूदा यीशु को पकड़वाने का मौका ढूंढने के लिए सरदार काहिनों के पास जाता है। हम खालिस तौर पर यहूदा के ऐसा करने की वजह तो नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि उसको यीशु पर अब यकीन ना रहा हो सकता है कि वो यीशु से कुछ बड़ा करने का मुंतजर हो जिसमें या तो वो मायूस हुआ हो या फिर वो आगे के लिए पुर यकीन था। बहरहाल कुछ भी हो,
यीशु को पकड़वाने का सबब वही यहूदा बना। फिर यीशु दोबारा अपनी मौत का तذکرہ अपने शागिर्दों से करते हैं और इस बार वो आखिरी खाने की मेज के मौके पर ये बातें करते हैं। फिर सबसे बढ़कर यीशु अपने शागिर्दों को यहूदा की धोखादही के बारे में और कैसे वो सब इसका इनकार करेंगे पहले से उन्हें बता देते हैं, लेकिन शागिर्द सारे के सारे अपनी ही धुन में मगन नजर आते हैं। वो अभी तक समझ नहीं पा रहे कि यीशु की जो बातें हैं उसकी तदफीन के बारे में, उसकी मसलूबियत के बारे में, वो हक और सच हैं और वो वाकया ही वाकया होंगी। फिर मुकदस पत्रस के बड़े बोल हमें पढ़ने को मिलते हैं। वो कहता है कि वो कभी यीशु का इनकार नहीं करेगा और लगता है कि बाकी शागिर्द भी इस बात से मुत्तफिक थे, लेकिन यीशु ने पत्रस पर वाज़ेह किया कि वो 3 बार यीशु का इनकार करेगा। इसी तरह बाकी शागिर्द भी यीशु को तन्हा छोड़ जाते हैं। अजीजो, यहीं पर हमें इल्म होता है कि हम जो कुछ सोच रहे होते हैं बाज़ दफ़ा उसके बिल्कुल उल्ट होता है। इसलिए हमेशा अपनी अकल से नहीं बल्कि खुदा की हिकमत से चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की अकल नाकिस है। हम जितनी मर्जी तरक्की कर लें, लेकिन खुदा जो रूह है, अनदेखा है, जिस इंसान देख नहीं सकता, उसकी हिकमत बेमिसाल है। हमारे ख्याल नापाक हो सकते हैं, लेकिन खुदा जो पाकीज़गी का मंबा है, उसके ख्यालों और मंसूबों को समझना बहुत ज़रूरी है। यीशु ने शागिर्दों को अपनी हिकमत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस लायक न निकले और इंसानी समझ बूझ से काम लेते रहे। आज हम भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में ऐसा ही करते हैं और अपनी समझ बूझ पर इन्हिसार करते हुए खुदा की हिकमत को पीछे छोड़ देते हैं और बड़ी बड़ी हांकते हैं और बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, जबकि हम नहीं जानते कि अगले ही पल हमारे साथ क्या होगा। आइए आज ज़रा सोचिए कि आप इस कलाम में बताई गई हकीकतों के मुताबिक ही अमल करते आए हैं या नहीं। क्या आप आइंदा को खुदा की हिकमत को अपनी ज़िंदगियों के लिए अफजल समझेंगे? इन बातों पर गौर कीजिए और खुदावंद आपको आज इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत अनायत करें। आमीन। सलामत रहें।